राजधानी की सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। निर्धारित गति से ज्यादा की गति पर वाहन चलाने वालों को अब फाइन देना पड़ेगा। राजधानी पटना के अटल पथ पर पटना पुलिस द्वारा स्पीड रडार जन लगाया गया है, जिससे आने जाने वाले सभी वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर है और 70 से ज्यादा की गति पर वाहन चलाने वालों को 2000 का फाइन देना पड़ेगा। ट्रैफिक थाना प्रभारी ने बताया कि सड़क पर 40 की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन हम लोगों ने 70 की सीमा निर्धारित की। हम HD न्यूज के तमाम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि पटना की सड़कों पर निर्धारित गति सीमा पर ही वाहन चलाएं। आपके ऊपर पटना पुलिस की पैनी नजर है। अगर आप निर्धारित गति सीमा से ज्यादा की गति पर वाहन चलाएंगे तो आपको भी फाइन देना पड़ सकता है। क्या आप 10 से 20,000 रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं? तो खोलें मिनी बैंक, अपने एरिया के लोगों को दे बैंकिंग सर्विस। सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, ATM से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, DTH, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। CSP ID के लिए कॉल करें 7726006565 पर। राजीव नगर के नए थाना प्रभारी का चोरों ने किया जोरदार स्वागत। प्रभार ग्रहण करने के दिन ही देर रात 5 दुकानों का ताला तोड़ा। राजधानी में इन दिनों चोरों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे परेशान होकर आज राजीव नगर थाना क्षेत्र के लोगों ने सड़कों पर उतरकर आगजनी की और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार राजीव नगर में चोरी होती रहती है और कल देर रात भी चोरों ने 5 दुकानों का ताला तोड़ा और लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए और लगातार चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शास्त्री नगर के थाना प्रभारी भी बदल दिए गए, लेकिन चोर जो हैं वो नहीं रुक रहे। उनका आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके खिलाफ लोग लगातार आक्रोशित हैं और आज उन्होंने सड़कों पर उतरकर आगजनी कर दी और पूरी तरह से यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर दिया, जिसके बाद मौके पर राजीव नगर और शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने पहुंचकर हानियों को समझा बुझाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू किया और लोगों का आश्वासन किया कि चोरों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। पुलिस द्वारा समझाने बुझाने के क्रम में पानियों से हल्की बेहिसाब ऐसी भी हुई कि पुलिस की, लेकिन फिर भी पुलिस ने मामले को इसी तरह समझा बुझाकर शांत करवाया और आश्वासन भी दिया। पहला बात, दूसरा है कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ है ये आप लोग भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। आपका सहयोग हम बैठ के उसके अगर कुछ फोटो निकाल पाते हैं, अगल बगल थाना को देते हैं और दूसरी जगह को देते हैं, और तो कुछ हम लोग उससे अगर बेनिफिट किया, आप ही लोग में से जो चार बजे जान सकते हैं कि सर ये लड़का का चेहरा जो लग रहा है उस मोहल्ला वाला से मिल रहा है, तब हम लोग आगे काम कर पाएंगे। ऐसे चिल्लाने से, एक दूसरे पर रोक प्रतिरोक लगाने से कुछ होने जाने वाला नहीं। ये बात जो हम बता रहे हैं, अगर आप पर हम लगा देंगे, हम पर आप लगाइए, मोबाइल वाला रोक लगाते रहिए, नहीं है काम। क्या हुआ था? देखिए, यहाँ पिछले एक हफ्ता से लगातार यहाँ पे चोरी की वारदात हो रही थी, जिसमें कि लोगों ने आवेदन भी दिया, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, FIR नहीं हुई। और उसके बाद हम लोग सोचे कि चलिए आवेदन देने के बाद कुछ होगा, यहाँ प्रशासन एक्टिव होगा, मगर एक हफ्ते के बाद फिर आज कल रात में लगभग 2:30 बजे तकरीबन यहाँ पे 5 दुकानों का ताला तोड़ा गया। एक दिन पहले भी सब्जी वाला बेचारा गरीब था, उसके दुकान में चोरी किया गया, और उसके बाद लगातार इस मार्केट में जितने भी दुकान है सब में चोरी हुआ, सबका ताला तोड़ा गया है, कहीं से 50,000 कहीं से लाख रुपए की चोरी हुई। आगजनी भी की गई है, हम लोग को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा, क्योंकि एक हफ्ता पहले भी हम लोग आवेदन दिए थे, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुआ। उसके बाद फिर से कल रात में चोरी हो गया, तो जब प्रशासन इस पर एक्टिव नहीं हुआ तो हम लोग खुद सड़क पर उतरना पड़ेगा। हम लोग को अब लग रहा है हम लोग खुद रात में जाकर अब चोर को पकड़ना पड़ेगा जब पुलिस एक्टिव नहीं होगी। तो इसी के विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ पे सड़क जाम किया था।